हाय फ्रेंड्स, मैं पंपी, ग्रीन गार्डन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये मेरा जेरेनियम का प्लांट है जो कि अभी तक ये खूब अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहा है। ये एक विंटर में फ्लावरिंग करने वाला पौधा है जिसे धूप बहुत पसंद है, लेकिन समर में इसको थोड़ी केयर की ज़रूरत है। वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। ये विंटर में फ्लावरिंग करने वाला पौधा है। यदि इसकी आप समर में खूब अच्छी तरह से केयर करेंगे तो ये आपके गार्डन से जाने का नाम ही नहीं लेगा। ये एक परमानेंट प्लांट है। इसको इतनी ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। जब इसकी मिट्टी ड्राई हो जाए तभी इसमें आप लोग पानी ऐड कर सकते हैं। इसकी मिट्टी खूब वेल ड्रेन होनी चाहिए। ये सीड से और कटिंग से भी इजीली इसको ग्रो कर सकते हैं। समर में इसको फुल सनलाइट में नहीं रखना चाहिए। जहाँ ठंड की धूप मिले उस एरिया में इसको आप लोग रख सकते हैं। फर्टिलाइज़र की बात कहें तो समर में इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र आप लोग दे सकते हैं, जो कि काउडंग की लिक्विड फर्टिलाइज़र और डीएपी की लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसको आप 10-15 दिन के अंतर में इसको आप दे सकते हैं तो ये विंटर में खूब अच्छी तरह से फ्लावरिंग करेगा। ये देखिए, ये कितनी अच्छी तरह से खिल रहे हैं फूल इसके। यहाँ तो फूल खिलकर भी मुरझा गया है और सभी इसके पंखुड़ियाँ गिर चुके हैं। इसको ठंड बहुत पसंद है। जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ इसको बचाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन हमारे असम में इसको हम इतनी ज़्यादा भी टेम्परेचर नहीं होती है, इसको हम नेक्स्ट विंटर के लिए बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, समर में आप इसकी इसी तरह से केयर कीजिएगा तो ये आपके गार्डन में बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय।